तांडव ये राजनीति पर आधारित एक ऐसी वेब सीरीज है जिसमें कई राजनीतिक दावपेंच भरे पड़े हैं। इस वेब सीरीज की खासियत ये है कि ये छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति तक हर विषय पर बात करती है। हालांकि ये वेब सीरीज कई विवादों से घिरी पड़ी है, पर आज उन विवादों में न जाते हुए हम इस वेब सीरीज के अंदर छुपे उन राजनीतिक लेसन को लेने का प्रयास करेंगे जो एक राजनीतिक छात्र होने के नाते बेहद जरूरी है। आज जिस तांडव मूवी की मैं बात करने जा रहा हूँ उसमें कुछ लाइफ लेसन ऐसे छुपे हुए हैं जो आपके राजनीतिक जीवन में क्रांति ला सकते हैं, और यदि आप राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए ज्ञान और भी जरूरी है। तो आइए एक एक करके सुनते हैं तांडव मूवी के वो जबरदस्त डायलॉग जो हमें एक बड़ा राजनीतिक पाठ पढ़ाते हैं। पहला डायलॉग, सही और गलत के बीच में जो चीज जाके खड़ी हो जाती है ना, उसे राजनीति कहते हैं। सही और गलत के बीच जो चीज आकर खड़ी हो जाती है उसे राजनीति कहते हैं। यदि आपको राजनीति की व्याख्या एक वाक्य में करनी हो तो इससे बेहतर कोई वाक्य नहीं हो सकता। राजनीति क्या है? अलग अलग विचारधाराओं का संगम। यहाँ ना हम किसी विचारधारा को पूर्णतया सही मान सकते हैं और ना ही गलत मान सकते हैं। इसलिए राजनीति का काम ही है सभी वर्गों, समुदायों और विचारधाराओं के बीच एक संतुलन स्थापित करना, और यदि यह संतुलन आपके अंदर भी है तो आप परफेक्ट व्यक्ति हैं राजनीति के लिए। अब दूसरा डायलॉग, राजनीति के खेल में हर खिलाड़ी के पास एक चाल चलने का मौका आता है। सही वक्त पर चलो तो आपकी पर्सनल ग्रोथ आपके खुद के हाथों में होती है। राजनीति के खेल में हर खिलाड़ी के पास एक चाल चलने का मौका होता है। अमेजिंग डायलॉग है ये। साथियों, ज्यादातर लोग राजनीति में असफल क्यों हो जाते हैं? इसलिए नहीं कि उन्हें मौके नहीं मिलते, बल्कि इसलिए कि जब उन्हें मौके मिलते हैं तो वो उन्हें पहचान नहीं पाते। और हम साधारण परिवार से आए हुए युवा राजनीति में सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि यहाँ हम संघर्ष करते रहें, क्योंकि राजनीति किसी की पुश्तैनी जागीर नहीं है। तो यदि हम दिल से सफल होना चाहते हैं तो किसी की ताकत नहीं है कि वो हमें रोक सके। बस ये खुद पर भरोसा रखना होगा कि हम भी राजनीति के शीर्ष पे पहुंच सकते हैं, और उस एक मौके का इंतजार करना होगा जो कुदरत हमें देने वाली है। तीसरा डायलॉग, थोड़े दिन रघु, थोड़े दिन झुक के रह ताकि जब खड़ा हो तो झुकने की जरूरत ना पड़े। रघु, थोड़े दिन झुक के रह ताकि जब खड़ा हो तो झुकने की जरूरत ना पड़े। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने गुस्से के कारण अपना राजनीतिक करियर बर्बाद कर लेते हैं। कभी अपने गुस्से के कारण तो कभी बिना वजह के कोई ऐसी बात बोल जाते हैं जिससे हम गलत व्यक्ति को नाराज कर लेते हैं, और इसका खामियाजा हमें जीवन भर चुकाना पड़ता है। इसलिए यदि राजनीति में सफल होना है तो सबसे पहले जिस चीज़ को काबू करना होगा वो है आपकी भावनाएं, आपका गुस्सा, क्योंकि आपके और आपके राजनीतिक सफलता के बीच जो एक चीज रोड़ा बन सकती है वो है आपका गुस्सा। अब अगला डायलॉग, ऑल द बेस्ट फॉर अ ग्लोरियस पॉलिटिकल करियर। नहीं नहीं सर, पॉलिटिक्स में नहीं जाना। तो फिर यूपीएससी करना है सर। अच्छे लोगों की जरूरत यूपीएससी को भी है और संसद को भी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि एक फोन सुनता है और काम करता है, दूसरा फोन करता है और बताता है कि क्या करना है। सैड है पर सच है। क्या जबरदस्त डायलॉग है। और जो लोग राजनीति को बुरा समझते हैं, गलत समझते हैं या उसमें नहीं जाना चाहते, उनके लिए तो ये खास तौर पर है। ये एक डायलॉग अपने आप में कितना कुछ बयां कर जाती है। राजनीति की ताकत, हमारी सोच, सब कुछ। जो युवा यूपीएससी या अन्य परीक्षाओं के माध्यम से देश की सेवा करने का जज्बा लिए आते हैं उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि यदि आपका लक्ष्य राष्ट्र सेवा है तो राजनीति भी इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने का एक माध्यम बन सकती है। तो यदि देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा आपके भीतर भी है तो राजनीति तैयार खड़ी है आपके स्वागत के लिए। अब आप कितने तैयार हैं ये फैसला आपको करना है। अब अगला डायलॉग, शतरंज में राजा गिरे ना गिरे, राजा के गिरने के बहुत पहले प्यादे और सेनापति गिर जाते हैं।
शतरंज में राजा गिरे न गिरे, पर राजा के गिरने के बहुत पहले प्यादे और सेनापति गिर जाते हैं। साथियों, ये डायलॉग अपने आप में है तो बहुत छोटा, पर बहुत गहराई लिए हुए है। और ख़ासकर ये डायलॉग उन लोगों के लिए है जो किसी एक खास नेता के पीछे चलते चलते उनके अंधभक्त बन जाते हैं। ये याद रखना दोस्तों कि अंधभक्ति में नुकसान हमेशा आपका ही होगा, क्योंकि जिस नेता के पीछे आप चलते हैं, जिसके अंधभक्त बन जाते हैं, उसकी जीत में भी आपकी हार है, और उसके हार में तो कहना ही नहीं, आपका पूरा राजनीतिक करियर बर्बाद हो जाएगा। और यही है राजनीति का कड़वा सच। अब आखिरी डायलॉग। हम सबके अंदर एक गुस्सा है, बहुत सारा गुस्सा, और इस गुस्से का अलग अलग लोगों ने तरह तरह से इस्तेमाल किया, और हम ये गुस्सा व्हाट्सएप के चुटकुलों में निकालते हैं, अपने से कमजोर को मारकर निकालते हैं। लेकिन अब हम इस गुस्से का खुद से खुद के लिए इस्तेमाल करेंगे। साथियों, इस डायलॉग को ध्यान से देखिए और याद कीजिए चाणक्य को, जब चाणक्य की भरे दरबार में धनानंद ने बेइज्जती की थी तो क्या उन्हें गुस्सा नहीं आया था? खूब गुस्सा आया था, पर उन्होंने अपने गुस्से का एक कतरा भी जाया नहीं होने दिया, अपने गुस्से को पाला, और फिर क्या हुआ, इतिहास गवाह है, अखंड भारत की स्थापना। दरअसल जिस गुस्से को हम अपनी कमजोरी मान बैठते हैं, वही हमारी ताकत है, एक ऐसी ताकत जिससे सब कुछ बदला जा सकता है, एक ऐसी ताकत जिससे नया अध्याय लिखा जा सकता है। तो यदि आपके अंदर भी ये गुस्सा है तो एक बार सोचना जरूर कि इस गुस्से का इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में एक नए राजनीतिक सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।